आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। ऐसे तो सबको पसंद है लेकिन बच्चों को खास करके ज़्यादा ही पसंद आती है, वो भी सिंपल तरीके से और कम सामान में, कम तेल में, तो उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। हाय, मैं हूँ स्वस्ति और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी वेज हक्का नूडल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 लीटर पानी रखेंगे और उसके बाद 1 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच नमक और उसके बाद हक्का नूडल्स डाल देंगे। ऐसे में पानी में डाल के थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको मिला देंगे, नूडल्स को तोड़ के नहीं डालेंगे। टोटल 4 से 5 मिनट लगेंगे नूडल्स को उबालने के लिए। गैस बंद करने से पहले एक बार तोड़ के चेक कर लेंगे। अब ये नूडल्स उबल चुका है, पक चुका है। अब गैस बंद कर लेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडे पानी से धोकर इसको साइड में रख लेंगे। और अब इसमें क्या क्या लगेगा, प्याज 2, कैप्सिकम 1, टमाटो 2, कैबेज थोड़ा सा, लहसुन 1 बारीक कटा हुआ और ग्रीन चिली 5, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, रेड चिली सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, विनेगर 2 चम्मच, टोमेटो सॉस 2 चम्मच और नमक 1 चम्मच। अब एक कढ़ाई डालेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल हम 2 चम्मच का यूज करेंगे और उसके बाद तेल गर्म होने के बाद बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे। प्याज और पत्ता गोभी पहले हम डाल देंगे क्योंकि और उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है। इसे 10 से 12 सेकेंड भुनने के बाद इसमें कैप्सिकम डाल देंगे और उसके बाद टोमेटो भी डाल देंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियों को पूरा नहीं पकाना है क्योंकि नूडल्स में थोड़ा सा कच्चा अच्छा लगता है, तो इसे आधा ही पकाएं। इसमें विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। अब इसमें उबला हुआ नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको इसका कलर और डार्क करना है तो आप इसमें रेड चिली सॉस का यूज और भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल देंगे जो कि तीखा नहीं होता है, बस कलर के लिए थोड़ा सा डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा सुपर टेस्टी नूडल्स बन के तैयार है। ये हमारा नूडल्स सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप सबने देखा इसको बनाना कितना आसान है। इसको जब चाहे आसानी से घर में किसी भी टाइम बना सकते हैं। हम नूडल्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये नूडल्स देखिए रेडी है। तो आप सबको मेरी वीडियो की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियो को आपको मिलती रहे।